खरीदा किसने और बिके कौन है, एक सवाल तो आएगा ना। खरीदा सियासी जमातों ने है और बेचा एस्टेब्लिशमेंट ने। तो और ये जो बिके हैं ये कौन लोग हैं, ये भी सियासी लोग हैं ना सर? कौन बिकते हैं मंडी बहुत जबरदस्त लगी सर, बहुत ज्यादा बड़ी मंडी है जिसकी बुनियाद पे आपने कहा कि 2024 का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से कहीं ज्यादा बड़ा। तो सर मुझे ये बताइए कि ये आपने ये भी कहा है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, तो ये क्या है सर? हज़रत जमहूरियत तो अब नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जमहूरियत जो सिर्फ नुमाइशी हो और उसके पीछे एक फौजी क़ुव्वत हो, वर्दी हो, तो वर्दी के सहारे पर हुकूमत चलेगी तो क्या जमहूरियत होगी जी? यानी मैं ये नहीं कहता कि मुल्क में फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, मुल्क में खुफिया एजेंसियों की ज़रूरत नहीं है, होती है, लेकिन जिस तरह वो ख़ुद कहते हैं कि हमें अपने इख्तियार के हदूद मालूम हैं, तो हम भी तस्दीक करते हैं कि उनको अपने इख्तियार के हदूद मालूम होते, वहीं तक रहें ना। ये शिकायत हमें क्यों है कि आपने हमारे दायरे में कदम रख दिया है? तो आपके लोग क्यों जाते हैं सर उसके जी? आपके सियासी लोग अगर उस तरफ ना जाएं? देखिए सियासी लोग एक ग्रुप नहीं है ना, एक तबका है, सियासी लोग आपस में हरीफ होते हैं जी, और वो इख्तदार की जंग आपस में लड़ते हैं। तो बदकिस्मती ये है कि हम फिर फौज का सहारा लेकर इख्तदार में पहुँचते हैं और इससे जमहूरियत ख़त्म हो जाती है। फिर जमहूरियत का जितने ज़्यादा से ज़्यादा नारे लगाने वाले लोग हैं वही जमहूरियत के कातिल बन जाते हैं, वही जमहूरियत पे सौदा करने लग जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।